आज की मूवी के चार मेन कैरेक्टर्स हैं सारा, ब्रैड, लैरी और रॉनी। सारा की शादी जिस व्यक्ति से हुई है वो पॉर्न वीडियोस देखता है और सारा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता। ब्रैड की शादी जिससे हुई है वो भी अपने पति को खुश नहीं कर सकती। रॉनी एक यौन अपराधी है जो छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता है और लैरी एक रिटायरमेंट पुलिस ऑफिसर है जिसने मॉल में गलती से एक बच्चे को शूट कर दिया था। और मूवी का नाम है लिटिल चिल्ड्रन जो 2006 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 8.5। टीवी में एक साइकिक क्रिमिनल रॉनी की न्यूज दिखाई जा रही है जो छोटे बच्चों को सेक्सुअली हैरास करता है और उसे जेल से रिहा कर दिया गया है। ये है सारा। सारा बॉस्टन में रहती है और हाउसवाइफ है जिसकी एक 3 साल की बेटी लूसी है। सारा इंग्लिश लिटरेचर से डॉक्टरेट करना चाहती थी लेकिन उसने सब कुछ छोड़कर रिचर्ड से शादी कर ली। सारा पार्क में कुछ औरतों के साथ बैठी है और उन सब के बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और ये सब क्रिमिनल रॉनी की बात कर रहे हैं कि ऐसे आदमी का तो प्राइवेट पार्टी काट देना चाहिए और गेट पर टांग देना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को सबक मिल सके। ये है ब्रैड जो लॉ का स्टूडेंट है और जब इसे बार के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए वो स्केटिंग करते हुए लड़कों को देखकर ये सोचता है कि काश वो भी इतना ही केयरफ्री होकर लाइफ को एंजॉय कर पाता। ब्रैड की शादी हो चुकी है और एक बेटा भी है लेकिन इसकी सेक्स लाइफ बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं है। ब्रैड अपने बेटे को लेकर पार्क आता है और ये औरतें ब्रैड पर लार टपका रही हैं और ब्रैड को प्रॉम किंग के नाम से बुलाती हैं क्योंकि उन्हें ब्रैड का नाम तक नहीं पता। सारा की बेटी झूला झूलने के लिए कहती है जहां ब्रैड अपने बेटे को झूला झूला रहा है। वहां बैठी एक औरत सारा से कहती है कि वो सारा को $5 देगी अगर वो ब्रैड से उसका फोन नंबर ला सके। सारा वहां जाती है और उन दोनों के बीच बातचीत होने लगती है और ब्रैड उसे बताता है कि वो लॉक कर रहा है। सारा ब्रैड की बातों से काफी इम्प्रेस होती है क्योंकि ब्रैड अपने फेलियर्स के बारे में बिना किसी शर्म के बात कर रहा था। सारा भी उसे अपनी लाइफ की बातें डिस्कस करती है। ब्रैड जाने लगता है और सारा मन ही मन कहती है प्लीज मुझे इन जालिम औरतों के बीच में अकेला छोड़कर मत जाओ। सारा उसे इशारे से बुलाती है और कहती है कि तुम्हें पता कि वहां बैठी औरतें तुम्हें क्या बुलाती हैं? प्रॉम किंग। ब्रैड कहता है अच्छा। सारा कहती है हाँ ये कॉम्प्लीमेंट है, उन औरतों ने मुझे $5 देने की बात कही है अगर मैं तुम्हारा नंबर लेके आ सकूं। पेन ना होने की वजह से सारा कहती है कि तुम मुझे हक कर लो इतना ही काफी है। दोनों हक करते हैं। सारा कहती है कि क्या तुम उन औरतों को जलाना चाहते हो और फिर वो किस करते हैं। ये देखकर वो औरतें वहां से भाग जाती हैं। ब्रैड का बेटा ब्रैड से पूछता है कि तुमने उन आंटी को हक क्यों किया। ब्रैड कहता है तुम्हें समझाने के लिए कि हक कैसे किया जाता है। ब्रैड नेक्स्ट डे पार्क जाता है लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता और कई दिनों तक उसे सारा कहीं नहीं दिखती। ब्रैड को भी समझ नहीं आता कि वो अपनी हॉट लुकिंग सेक्सी बीवी को छोड़कर उस बॉयश की तरह ड्रेसअप होने वाली औरत जिसकी बड़ी बड़ी आईब्रोज हैं उसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो गया। ब्रैड लैरी से मिलता है और लैरी ब्रैड को बताता है उसने क्रिमिनल रॉनी के खिलाफ एक कमेटी बनाई है। लैरी उसे प्लेग्राउंड ले जाता है जहां सारे कॉप्स मिलकर रग्बी खेल रहे हैं। ब्रैड भी उनके साथ खेलता है और एक पुलिस वाला उसे धक्का दे देता है। लैरी अक्सर रॉनी के घर के बाहर चिल्लाकर उसे परेशान किया करता है और रॉनी की माँ आकर उस पर गुस्सा करती है और कहती है रॉनी को परेशान करना बंद करो। ब्रैड घर आता है और कैथी पूछती है कि इतनी देर कहाँ हो गई। ब्रैड बताता है कि लैरी ने उसे कमेटी ज्वाइन कराई है। कैथी कहती है लेकिन तुम्हें तो लैरी पसंद नहीं था। ब्रैड कहता है हाँ लेकिन लैरी उतना भी बुरा नहीं है। कैथी ब्रैड को नहाने को कहती है और ब्रैड सोचता है कि आज कैथी उसके साथ रोमांस करना चाहती है। ब्रैड बेबी को उसके रूम में ले जाने लगता है लेकिन कैथी उसे सोने को कहती है। ये है रिचर्ड सारा का पति जो पॉर्न वीडियोस देखकर एंजॉय करता है। सारा अपने पति रिचर्ड के पास जाती है जहां वो पॉर्न वीडियोस देख रहा है और मास्टरबेटिंग कर रहा है। रिचर्ड कहता है कि तुमने आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया। सारा कहती है मैंने किया था लेकिन तुमने शायद सुना नहीं क्योंकि तुम कहीं बिजी थे। सारा मैगजीन देखकर एक रेड स्विमिंग कॉस्ट्यूम ऑर्डर करती है और पुल पर जाती है जहां ब्रैड भी अपने बेटे के साथ होता है। वह दोनों एक दूसरे को देखकर ब्लश करने लगते हैं। सारा वॉशरूम जाती है और ब्रैड उसका वेट कर रहा है और वो देखता है कि सारा उसके बगल में आकर बैठी है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं और सारा ब्रैड से अपनी बैक पर सनस्क्रीन लगाने को कहती है। अब ब्रैड और सारा रोज पूल पर मिलने लगते हैं। एक दिन उसी पूल पर रॉनी आकर स्विमिंग करने लगता है और सारे पेरेंट्स बच्चों को पूल से निकालने लगते हैं। काफी शोर शराबा मचता है और पुलिस को बुलाना पड़ता है। रॉनी कहता है
वो बस चिल कर रहा था। बारिश होने लगती है और ब्रैड सारा को उसके घर छोड़ने आता है। दोनों बच्चे सो जाते हैं और सारा कपड़े सुखाने जाती है। ब्रैड अपनी फोटो सारा की बुक में देखता है और फिर सारा के पास आता है और दोनों सेक्स करने लगते हैं। और सारा की पड़ोसी को उनके घर से आवाजें आती है और वो सोचती है कि सारा अपने पति के साथ एंजॉय कर रही है। रॉनी की माँ रॉनी से कहती है कि उसे किसी लड़की के साथ डेट पर जाना चाहिए और शायद उसका पीडोफीलिया ठीक हो जाए। पीडोफीलिया एक तरह का मानसिक विकार होता है जिसमें इंसान गलत तरीके से बच्चों के साथ यौन संबंध बनाता है। रॉनी की माँ कहती है, मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? रॉनी कहता है, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। रॉनी की माँ कहती है, तुम बर्तन तो धो नहीं सकते, ख्याल क्या रखोगे? सारा और ब्रैड अब रोज सेक्सुअली इन्वॉल्व होने लगते हैं और कैथी अपनी मॉम से फोन पर बात कर रही है और उसकी मॉम को लगता है कि कैथी थोड़ी परेशान है, लेकिन कैथी उनसे कुछ नहीं कहती कि ब्रैड अब ज्यादातर टाइम बाहर रहता है। वहाँ ब्रैड कॉप्स के बीच काफी पॉपुलर हो जाता है और लैरी को ये लगने लगता है कि वो यूजलेस है। लैरी ब्रैड से कहता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई क्योंकि वो उसे अपने बेटे के सामने गाली देता था। ब्रैड कहता है, ये तो काफी गलत हुआ। ब्रैड उससे बताता है कि पूल पर उस दिन रॉनी आ गया था। ये सुनकर लैरी गुस्से से रॉनी के घर जाता है और चिल्लाता है। रॉनी की माँ नीचे आती है और कहती है, मेरे बेटे को परेशान करना बंद करो, तुमने जो उस बच्चे के साथ किया उसके मुकाबले मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर लैरी चुप हो जाता है। ब्रैड लैरी से पूछता है कि क्या हुआ था। लैरी कहता है, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ब्रैड कहता है, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मॉल में किसी ने किसी बच्चे को शूट कर दिया था। फिर लैरी उसे बताता है कि वो मैं ही था जिसने उस बच्चे को शूट किया था, लेकिन वो गलती से किया था। वो बच्चा गन से खेल रहा था और वो गन खिलौने वाली गन थी और वो किसी मूवी का सीन रिपीट कर रहा था और लैरी को लगा कि वो असली गन है और उसने उस बच्चे को शूट कर दिया और वो बच्चा वहीं मर गया। सारा को एक बुक पर डिस्कशन करने के लिए पड़ोसी इनवाइट करते हैं और वहां वो कहती है कि अगर औरत अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है तो उसे पूरा हक है किसी और के पास अपनी खुशी ढूंढने का। ये बात वहां बैठी एक औरत को पसंद नहीं आती और वो कहती है, अपने हस्बैंड को चीट करना ठीक नहीं है। दरअसल ये सब बुक के कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर रही थी और बात पर्सनल लाइफ पर शुरू हो गई। ब्रैड सारा के साथ है और सारा पूछती है कि क्या तुम्हारी बीवी खूबसूरत है। ब्रैड कहता है, हाँ वो बहुत ब्यूटीफुल है। सारा को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो रात भर यही सोचती है कि ब्रैड ने कैसे उसके सामने अपनी वाइफ की तारीफ कर दी, जैसे कि मैं उसके लिए मैटर ही नहीं करती। सारा छुप कर ब्रैड की वाइफ को देखने जाती है और ब्रैड अपनी फैमिली के साथ वैकेशंस पर जा रहा है। कैथी को देखकर सारा रोने लगती है क्योंकि वो कैथी के सामने कुछ भी नहीं है। वैकेशन से लौटने के बाद सारा ब्रैड से बात नहीं कर रही, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि ब्रैड की वैकेशंस अच्छी नहीं रही तो सारा खुश हो जाती है। ब्रैड को बार एग्जाम के लिए जाना है लेकिन वो सारा के साथ डेट पर चला जाता है। सारा अपनी बेटी को अपनी पड़ोसी के साथ छोड़ देती है। रॉनी डेट पर जाने के लिए तैयार हो रहा है। डेट पर रॉनी छोटे छोटे बच्चों को घूर रहा है और जिसके साथ वो डेट पर है वो लड़की भी डिप्रेशन में है और उसे अब तक किसी लड़के ने पसंद नहीं किया, लेकिन रॉनी उसके सामने मास्टर बैटिंग करने लगता है और वो लड़की उसे गुस्से से घर पर ड्रॉप करके चली जाती है और ये डेट खराब हो जाती है। ब्रैड को कैथी पिक करने आती है और पूछती है कि एग्जाम कैसा हुआ। ब्रैड कहता है, ठीक हुआ, लेकिन वो तो एग्जाम देने गया ही नहीं था, वो तो सारा के साथ डेट पर था। सारा भी घर लौटती है और वो अपनी पड़ोसी को उसकी बेबी को संभालने के बदले पैसे देने लगती है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है, लूसी बहुत ही प्यारी बच्ची है। सारा नहा रही है और लूसी उसे कुछ दिखाना चाहती है, लेकिन सारा खुद को शीशे में निहार रही है। उसे लूसी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लूसी गिफ्ट रखकर चली जाती है। कैथी ब्रैड से कहती है कि उसके बेटे ने उसे एक आंटी के बारे में बताया जो पूल पर मिलती है। वो सारा को डिनर पर इनवाइट करने को कहती है क्योंकि कैथी को शक है कि कहीं ब्रैड और सारा का अफेयर तो नहीं है। वो सब डिनर कर रहे हैं और सारा को पता चलता है कि ब्रैड मैच खेलने जाता है और ये बात उसने उसे नहीं बताई। कैथी सारा को देखती है और जानबूझकर अपना स्पून नीचे गिराती है ताकि वो ये चेक कर सके कि कहीं ये दोनों फुट प्ले तो नहीं कर रहे। ब्रैड खुश है कि कैथी को उन पर शक नहीं हुआ, सब अच्छे से निपट गया, लेकिन कैथी को दोनों पर शक है और वो अपनी मॉम को बुला लेती है और उसकी मॉम हर जगह ब्रैड के साथ जाती है। ब्रैड मैच खेलने जाता है और वहाँ सारा भी पहुंच जाती है और दोनों वहाँ शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ भागने का प्लान बनाते हैं। वहाँ लैरी ब्रैड का बार में बैठकर वेट कर रहा है, लेकिन ब्रैड के ना आने पर वो फिर से रॉनी को परेशान करने उसके घर चला जाता है और सबको जगा देता है। रॉनी की माँ नीचे आती है और छीना झपटी में उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है और लैरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रॉनी की मां मर जाती है और रॉनी को एक लेटर मिलता है। रॉनी बर्तन वॉश करता है
और लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि प्लीज एक अच्छा लड़का बनना। रॉनी अपनी मॉम कलेक्ट की हुई मूर्तियां तोड़ देता है और एक चाकू उठाता है। उसी रात सारा ब्रैड के साथ भागने के लिए लूसी के साथ घर से निकलती है और पार्क में उसका वेट करती है। ब्रैड अपने बेटे को आई लव यू कहता है और कैथी के लिए एक नोट लिखता है जिसमें ये लिखा होता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन ब्रैड पार्क जाने से पहले स्केटिंग कर रहे लड़कों से अट्रैक्ट हो जाता है और वो लड़के उसे स्केटिंग करने को कहते हैं। यही तो करना चाहता था ब्रैड। ब्रैड सारा के बारे में भूल जाता है। वहाँ रॉनी पार्क में जोर जोर से रोने लगता है और सारा उससे पूछती है कि क्या हुआ। रॉनी बताता है कि उसकी माँ मर गई। सारा देखती है कि लूसी पार्क में नहीं है। वो घबरा जाती है लेकिन लूसी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी है। सारा उसे कार में बैठने को कहती है और उसे बहुत प्यार करती है और कहती है तुम घर जाना चाहती हो ना। लूसी कहती है हाँ। उस टाइम पर सारा ब्रैड के बारे में भूल जाती है। वहाँ लैरी रॉनी को ढूंढते हुए पार्क आता है और उसकी मॉम की डेथ की वजह से गिल्टी फील करता है। लेकिन रॉनी ने अपना प्राइवेट पार्ट चाकू से काट दिया है और लैरी उसे हॉस्पिटल ले जाता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ब्रैड वहाँ बेहोश पड़ा है क्योंकि उसने बहुत टाइम बाद स्केटिंग करी थी। एम्बुलेंस आती है और एक लड़का उसे वही लेटर देता है जो उसने कैथी के लिए लिखा था। लेकिन ब्रैड कहता है ये मेरा नहीं है, इसे फेंक दो, और अपनी वाइफ को बुलाने को कहता है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी वाइफ और बच्चे ही उसके लिए मैटर करते हैं।